पहले हम क्या बना रहे हैं? चिकन हम पहले मैरिनेट कर लेंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, पहले मुझे हम क्या कर रहे हैं ये बताओ। फ्री रेंज चिकन। ओके, फ्री रेंज चिकन मतलब क्या? फ्री रेंज का मतलब है देसी चिकन। ओके, देसी चिकन कर रहे हैं। इन शॉर्ट, साफ शब्दों में, अपनी भाषा में, हमें समझ में आए ऐसी भाषा में। ओके, इसकी सामग्री बताएंगे हमें? अंडे का बलक लिया है, पीला भाग, चिकन है, बटर, ये मूंग है, हरा मूंग अंकुराए हुए, क्रीम है, और ये मूंग के स्प्राउट्स हैं। ओके, हरी मिर्च है फ्रेश। ओके, और इसमें पार्सली और धनिया मैंने गार्निश के लिए लिया है। ये गाजर है, प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, ये मस्टर्ड का पेस्ट है, लहसुन है, बूस्टर सोया सॉस है, और ये इलायची और लहसुन है। ओके, ये हर्ब ऑयल है, सारे मिक्स हर्ब्स मैंने बनाए हैं, शक्कर है, और रेड पेपर्स का जूस बनाया है। अच्छा, काली मिर्च पाउडर, गाजर, नमक। सामग्री क्या है हमने देख लिया, अब हम चलेंगे विधि की तरफ। पहले हमें बताएंगे कि इसका हम मैरिनेशन करेंगे। ओके, थोड़ी मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा वूस्टर शायर सॉस। कौन सा सॉस? वूस्टर शायर सॉस। ओके, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा हम ऑयल डालेंगे इसमें। ये लहसुन मैं सिर्फ ऐसे ही छिलके के साथ, अच्छा, थोड़ा मिक्स करेंगे हाथ से, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। ये चिकन मैंने थोड़ा स्किन के साथ लिया है। ओके, उस वजह से अंदर का जो मांस है वो जलेगा वगैरह नहीं। अब ये मैरिनेट करके हो गया है। ओके, हम इसे साइड में रख देंगे। अब व्हाट नेक्स्ट? हम गाजर पका के लेंगे। उसके लिए हमें लगेगी शक्कर, इलायची हम ऐसे ही तोड़ के डालेंगे इसमें। गाजर हम इसमें पका लेंगे। हमारे दो स्टेप्स हो चुके हैं, एक तो चिकन को हमने मैरिनेशन करके रखा है और गाजर पकने के लिए रखा है। ये पकने में कितना समय लगेगा? लगभग लगभग 5 से 7 मिनट। हमारे दो स्टेप्स हो चुके हैं, अब हम जाएंगे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या है? मूंग का सालन बना लेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा बटर लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन, प्याज, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर बारीक कटा हुआ, बारीक टुकड़े हैं, ओके, ये अंकुराए हुए मूंग है, हरे मूंग, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं हम, बाद में हम फिर से डालेंगे, अभी सिर्फ नाम मात्र। हाँ, ये क्रीम है, अच्छा, फ्रेश क्रीम, हमारे इतने स्टेप्स हो चुके हैं और अभी हम तीसरे पे हैं, तो अभी ये मैं पहला नाम भूल चुका हूँ, ये रेसिपी का नाम क्या है? फ्री रेंज चिकन। हाँ, करेक्ट। थोड़ा और नमक डालेंगे हम, मूंग ऐड किए इसलिए थोड़ा नमक हमने ऐड किया, पहले हमने थोड़ा सा डाला था, करेक्ट, थोड़ा और डालेंगे, ये काली मिर्च पाउडर है। ओके, अब ये तैयार हो गया है, लगता है ये गाजर हो गया है। हाँ, हम इसी पानी में रखेंगे। अब हम चिकन ये कर लेंगे, पका लेंगे। अब ये लहसुन है, ये साइड मैं पहले पकाने वाला हूं। अच्छा, अच्छा सा कलर आ गया है। ओके, अब इसका क्या करना है? अब हम इसे ओवन में रखेंगे। ओके, इसे अंदर रख देंगे और 180 सेंटीग्रेड पर इसे कुक करेंगे। ओके, अब हम यहां क्या कर सकते हैं? हम ये गाजर निकाल लेंगे। ये शक्कर का और इलायची का पानी है। ओके, ये क्या कर रहे हैं? हम फ्रॉथ बनाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
अच्छा, इसमें हमने अलग से कुछ तीखा डाला है या नहीं? ये तो सिर्फ शो के लिए है। ओके, वो हम बाद में गाजर पर यूज करेंगे। ओके ओके ओके, तो ये भी तैयार हो चुका है। तैयार है, अब हम सॉस बना लेंगे, बटर में बनाएंगे हम। ओके, उसके लिए हमें लहसुन, थोड़ा सा प्याज, प्याज बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च। काली मिर्च, हमारे पास जो काली होती है वो सूखने के बाद, ये ताजी है, पेड़ से तोड़ी हुई। अच्छा, मैं ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाल रहा हूँ। ओके, मतलब हमें दिखने भी चाहिए हरे और उसका स्वाद भी उतर जाए, उतरना चाहिए। अच्छी तरह से मिला लिया है, पर थोड़ा स्टॉक इसमें डालेंगे, ये चिकन का ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां से कहां जा रहे हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे फिर से। ओके, थोड़ी सी क्योंकि हमने पहले थोड़ा डाला था। हरी मिर्च ताजी, इसमें अब डालेंगे क्रीम। तैयार हो चुका है सॉस। ओके, थोड़ा सा गैस बंद करके हम उसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा बटर। अच्छा, लेकिन बंद करने का कारण? सॉस तैयार है, अगर ज्यादा देर गैस पर रखा तो थोड़ा सा दूध जैसा फटता है। ओके, वैसे फटने की संभावना होती है। बटर मिक्स हो गया है इसमें। व्हाट नेक्स्ट? अब हम करेंगे सजावट के लिए। क्या करेंगे? यह हम आइसक्रीम स्कूप में स्कूप बना लेंगे। ये हमने वो अंडे का बनाया अंडे हुआ का, इसमें इलायची है, शक्कर है। ये हमारे पास रेड पेपर है। अच्छा, दोनों को मिला दिया है। अब अच्छा दिख रहा है ना? ये मूंग के स्प्राउट्स हैं। पार्सली है, धनिया है। हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गई। सुगंध अच्छी आ रही है। नाम मैं फिर से भूल चुका हूं ये सब प्रोसेस में। फ्री रेंज चिकन। फ्री रेंज चिकन अपना तैयार हो चुका है। आप सामग्री और विधि बिना थके प्लीज लिख लीजिए। फ्री रेंज चिकन बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: अंडे का पीला भाग, चिकन, बटर, अंकुर आए हुए मूंग, क्रीम, मूंग के स्प्राउट, हरी मिर्च, पार्सली, हरा धनिया, गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, राई का पेस्ट, बारीक कटा हुआ लहसुन, वूस्टर सॉस, इलायची और पूरा लहसुन, मिक्स्ड हर्ब्स ऑयल, शक्कर, रेड पेपर जूस, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ गाजर और नमक। विधि: पहले एक बाउल में चिकन लेकर उसमें राई का पेस्ट, वूस्टर सॉस, काली मिर्च पाउडर, नमक, तेल और लहसुन का मैरिनेशन लगाकर रख दें। पैन में पानी, शक्कर, इलायची और गाजर के टुकड़े इकट्ठा पका लें। पैन में बटर गरम करके उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज और गाजर इकट्ठा भून लें। उसमें अंकुर आए हुए हरे मूंग, नमक, फ्रेश क्रीम और काली मिर्च पाउडर डालकर भून कर पका लें। पैन में तेल गरम करके पूरा लहसुन और मैरिनेट किया हुआ चिकन दोनों साइड से अच्छे से भून लें और तैयार चिकन ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक रखें। एक बाउल में पके हुए गाजर के टुकड़े निकाल लें। शक्कर और इलायची के पानी में अंडे का पीला भाग लेकर धीमी आँच पर फेंट लें। पैन में बटर गरम करके उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, चिकन स्टॉक, नमक और क्रीम इकट्ठा कर लें और उसमें ऊपर से बटर डालें। एक प्लेट में मूंग और क्रीम के मिश्रण का स्कूप रखें। उसके साथ चिकन और शक्कर के पानी में पकाए हुए गाजर के टुकड़े सर्व करें। उस पर अंडे के मिश्रण का तैयार किया हुआ फ्रॉथ डालें। रेड पेपर जूस और मिक्स्ड हर्ब्स ऑयल इकट्ठा करें, वो अंडे के फ्रॉथ पर डालें, उस पर मूंग के स्प्राउट्स डालें, चिकन पर बटर और क्रीम के मिश्रण का सॉस डालें, ऊपर से हरा धनिया और पार्सली डालकर डिश सर्व करें।